कतरा तूफानों से जंग किया करता हूँ। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। जी हाँ, जहानाबाद के अब्दुल बारी नगर भवन में माहौल पूरा जोशीला था। आयोजन था मगध सम्राट जरासंध महोत्सव सह चंद्रवंशी मिलन समारोह का, जहाँ इस भीड़ के माध्यम से आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग जुटे एवं जय जरासंध जय चंद्रवंशी समाज के नारों से पूरा माहौल गूंज रहा था। कार्यक्रम का उद्घाटन जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात फूलों के बड़े माला से आए सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर भीम सिंह, डॉक्टर प्रेम कुमार, प्रमोद चंद्रवंशी, मनोज चंद्रवंशी सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी द्वारा किया गया एवं संचालन अधिवक्ता मुकेश कुमार गौतम द्वारा किया गया। इस मौके पर आए तमाम अतिथियों ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी के साथ पूरी टीम को धन्यवाद दिया। साथ ही साथ इस मौके पर जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने टीम भावना से काम करने की बात कही और कहा कि यह समाज हमेशा लोगों के दुख दर्द में काम आता है। शुरू से ही यह समाज लोगों के विश्वास का पात्र रहा है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी ने कहा कि हम जागरूक हुए हैं, हमें और जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर हमारे समाज का कोई भी इंसान कोई भी तकलीफ में है, मुश्किल में है, तो हम सब मिलकर उसकी मदद करें, तभी इस कार्यक्रम की सफलता होगी। इस मौके पर मगध सम्राट जरासंध महाराज की आरती की गई। इस मौके पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। सभी के गले में पीली गमछी बंधी हुई थी, जो आकर्षण का केंद्र लग रहा था। जहानाबाद का अब्दुल बारी नगर भवन भीड़ से खचाखच भरा था। इस शानदार कार्यक्रम के लिए आए तमाम अतिथियों ने जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी, मनोज चंद्रवंशी सहित तमाम लोगों का आभार प्रकट किया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। सबसे बड़ी बात तो है कि चंद्रवंशियों के आराध्य हैं जरासंध महाराज। ए लोगों, और जरासंध महाराज की जयंती पूरे देश में जहाँ भी चंद्रवंशी समाज के लोग बसे हुए हैं, हर जगह लोग उत्साह साथ मनाते हैं। और इसी क्रम में आज जहानाबाद में किसी भी भारी था पहले से, और जहानाबाद जिला के चंद्रवंशी समाज के लोग मिल करके और उत्सव को मना रहे हैं। जरासंध महाराज के उपज हैं सब लोग, और सब लोगों में यह उत्साह है कि चंद्रवंशी समाज में एक जीविका बना करके और आगे बढ़े, और जरासंध महाराज की तरह वह भी विकसित इस देश में विकास के रास्ते में सहभागी बने। और हमको लगता है कि यह बहुत ही सुंदर सोच है यहाँ के चंद्रवंशियों के बीच में एक दूसरा देने का, एक दूसरा का परिचय देने का अवसर प्रदान हुआ है। इसी बात हम कहना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जरासंध महोत्सव की सरकारी महोत्सव की घोषणा किया है, और यह पहला अवसर है किसी ने भले पिछले समाज के लिए जो पिछड़ा पंक्ति में यही रह गया है, पहले तो इसका विरासत महाराजाओं की दिशा इसके पूर्वज जरासंध महाराज थे, लेकिन अभी यह समाज कहीं कहीं से पिछड़ा हुआ है। इसको इसके मनोबल को बढ़ाने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जरासंध महाराज को राज्य के तरफ से घोषणा किया है, जिसको महोत्सव को राज्य की तरफ से मनाया जाएगा। देखिए, हम लोग अपने पूर्वजों आराध्य देव मगध सम्राट जरासंध महाराज जी का इस समारोह के माध्यम से याद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वो पूर्वज थे और उनके माध्यम से आपसी चंद्रवंशी भाइयों में एकता भाईचारा कायम हो, एक दूसरे के सुख दुख में मिले, और समाज के उत्थान में कैसे सभी को साथ लेकर के चला जा सकता है, इसके लिए एक कार्यक्रम के माध्यम से किए हैं। दूसरी ओर हमारे राष्ट्रीय पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हम लोग को महासभा के आह्वान पर और चंद्रवंशी लोग के आह्वान पर आराध्य देव जरासंध जी महाराज जी का इस बार राजकीय स्तर पर राजगीर में
जरासंध महोत्सव मनाने का काम किया और हम लोग भी इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें आभार प्रकट करते हैं और इस कार्यक्रम अनवरत प्रत्येक साल जरासंध जी महाराज जी के याद में हम लोग मनाएंगे।